आज मैं आपको ये क्वेश्चन वन जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन वन है मैंने क्लास टेंथ की मैथ्स की ओसवाल सैंपल पेपर की बुक से लिया हुआ है। ये जो बुक है ओसवाल सैंपल पेपर की बुक है और चैप्टर का नाम है हाई टेंथ डिस्टेंसेज, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसमें क्वेश्चन वन जो है ये मैं आपको आज सॉल्व करके बताऊंगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बी ऑफ अ टावर ए बी फ्रॉम ए पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यहाँ पर ये कह रहा है कि ग्राउंड है, ठीक है। तो ग्राउंड से क्या कह रहा है कि एक टावर है ए बी, ठीक है ना, ग्राउंड पर एक टावर है ए बी। और क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट एक्स है ग्राउंड पर ही, एक पॉइंट एक्स है, उस पॉइंट एक्स से एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उस टावर के टॉप से लिया गया, ठीक है ना, वो कितना है 60 डिग्री। तो सबसे पहले ये जितना क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से हम डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर क्या बोला, पहले हमें ग्राउंड, यहाँ देखिए ग्राउंड लिखा हो तो पहले ग्राउंड बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ग्राउंड पर ही एक टावर है, देखिए टावर बोल रहा है ना ए बी। अच्छा, इसमें ए कहाँ, पहले आप टावर बनाइए, टावर जो है वर्टिकली रहेगा, वर्टिकली स्टैंड, यानी कि 90 डिग्री पर, ग्राउंड से टावर जो रहेगा 90 डिग्री पर रहेगा ना, वर्टिकली स्टैंड खड़ा रहेगा टावर हमारा, ठीक है। तो ये हमारा टावर हो गया। अच्छा, अब टावर में देखिए ए बी, टावर का जो नाम दिया गया है वो ए बी दिया गया है, तो इसमें ए कहाँ होगा और बी कहाँ होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बी, यानी कि टॉप पर क्या रहेगा, बी रहेगा, यानी कि यहाँ पर बी रहेगा, ये बी रहेगा और ए यहाँ पर हमारा रहेगा। तो ये ए बी हमारा टावर हो गया जो कि ग्राउंड पर है वर्टिकली स्टैंड, ठीक है, ये भी टावर हो गया। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड, अब ये जो ग्राउंड है ना हमारा, ये ग्राउंड, इसी ग्राउंड पर एक पॉइंट एक्स है, ठीक है ना। तो हम वो पॉइंट एक्स यहाँ पर कहीं पर भी ले लीजिए, मैं ये पॉइंट नहीं लेती हूँ, ये एक्स हो गया, ठीक है ना, ये ग्राउंड तो आगे तक गई है, तो यहाँ पर ग्राउंड पर ही पॉइंट एक्स लीजिए, ले लिया मैंने एक्स क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बी ऑफ ए टावर ए बी फ्रॉम ए पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब यह बोल रहा है कि टॉप जो बी है हमारा, मतलब कि जो पॉइंट एक्स है हमारा ग्राउंड पर, ये यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से, टॉप ऑफ बी से, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है नीचे से ऊपर जाता है, यह हमारा, ये हमारा क्या बनना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, ये बनना है ना, फ्रॉम पॉइंट एक्स, एक्स से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है टॉप ऑफ टावर बी, ठीक है ना, बी से, पॉइंट बी से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि यहाँ से खड़े होकर कोई देख रहा है, ठीक है ना, एक पॉइंट एक्स से ऊपर की ओर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पर बनेगा, टॉप ऑफ बी, बी पर बनेगा, ठीक है, बी से, क्वेश्चन के हिसाब से कितना बन रहा है, देखिए 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इतना जितना मैंने पढ़ा उस हिसाब से मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, एट ए पॉइंट वाई, एट ए पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ, देखिए ये कॉमा के बाद देखिए, एट ए पॉइंट वाई, अभी आप छोड़ दीजिए, क्या बोल रहा है, 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स, देखिए एक्स ये है, वर्टिकली अबव यानी कि एक्स के ऊपर, वर्टिकली, वर्टिकली एक्स के अबव, एक्स के ऊपर वर्टिकल, कितना 40 मीटर, कितना है 40 मीटर जो है एक्स से वर्टिकली अबव है, ठीक है ना। तो वर्टिकली मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री मतलब बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली, ठीक है, अबव एक्स, एक्स के ऊपर, ये देखिए ये पॉइंट एक्स है, इसके ऊपर कितना 40 मीटर, तो ये 40 मीटर हो गया, वर्टिकली भी है, देखिए वर्टिकली बोला ना, वर्टिकली अबव, वर्टिकली अबव एक्स के ऊपर, वर्टिकली अबव यानी कि ऊपर, वर्टिकली 90 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, परपेंडिकुलर, वर्टिकली मीन्स ये, तो ये हो गया 40 मीटर। अच्छा ये 40 मीटर है, ये देखिए 40 मीटर है, क्या बोल रहा है, एट ए पॉइंट वाई, ये पॉइंट वाई कहाँ है, अबव एक्स, एक्स के अबव ऊपर, ठीक है, 40 मीटर के यहाँ अबव, यहाँ पर ये पॉइंट आपका वाई है, यहाँ से क्या बनना, देखिए एट ए पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45 डिग्री। अब देखिए पहले तो यहाँ पर एक्स के अबव आप, यानी कि एक्स के ऊपर एक वर्टिकली आप बनाइए, यहाँ पर कितना 40 मीटर वर्टिकली, ये 40 मीटर हमने बना दी एक्स के अबव। अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन एक और बनना है टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45, यानी कि यहीं से बनेगा, ये टॉप है ना टावर का जो टॉप है, तो यहाँ पॉइंट वाई से, एट ए पॉइंट वाई, ये देखिए एट ए पॉइंट वाई, ये पूरा सेंटेंस देखिए यहाँ से होगा, एट ए पॉइंट वाई, देखिए ये एट ए पॉइंट वाई, अब ये कॉमा के बाद जो लिखा हुआ है 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स, इतना तो मैंने डायग्राम बना दिया। अब एट ए पॉइंट वाई द एंगल, देखिए इसका जो सेंटेंस पूरा होगा क्या होगा, एट ए पॉइंट वाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45, यानी कि y क्या हमारा ये है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ पर, टॉप पर, ये तो ये बनाइए आप, यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर कितना बनना 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पे बनना है। तो पहले ये देखिए ये जो है आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिए ये लाइन,
तब तो एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल जो बनना है वो बनना है 45 डिग्री, बन गया यहाँ पर ये 45, ये हो गया हमारा। अच्छा अब क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मीन्स हमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है, ए बी ये, और दूसरा क्या एंड डिस्टेंस एक्स बी, ये एक्स बी फाइंड करना है। ये दो चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो एक्स ए है ये एक्स ए और ये, इसको पॉइंट मैं यहाँ पर दे देती हूँ सी एस सी। तो देखिए एक्स ए जो है वाई सी के पैरेलल है, मैंने देखिए यहाँ पर एंगल बनाना है तो ये यहाँ पर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन वाई सी, तब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये जो एक्स ए है वो वाई सी के पैरेलल है, एक्स ए और वाई सी बिल्कुल जो है सेम, इनका लेंथ सेम है बिल्कुल। मैं यहाँ लिख सकती हूँ एक्स ए इजकल टू वाई सी, ये इक्वल है, ठीक है ना, एक्स ए इजकल टू वाई सी। अच्छा ये आपको 40 है, 40 मीटर, तो 40 है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि एक्स वाई और ए सी बराबर है, इनका लेंथ जो है बराबर, देखने में बराबर है ये, तो एक्स वाई इजकल टू ए सी, ठीक है। अच्छा एक्स वाई 40 है तो ये भी 40 होगा, ए सी भी, तो इसको आप लिख लीजिए। तो देखिए जब आप ये वर्ड प्रॉब्लम जब आएगा, हाइट एंड डिस्टेंसेस पर बेस्ड आएगा, तो डायग्राम जब बना लेंगे ना, तो जो जो चीज़ आपको इक्वल लगे दिख रही है उसको आप पहले लिख लीजिए, ये ज़रूरी है, पहले शुरुआत में ही लिख लीजिए, नहीं तो आगे आप लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इसको लिख लीजिए। तो हमने देखा कि एक्स जो है वाई सी के बराबर है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर मैंने देखा एक्स वाई जो है वो ए सी के बराबर है, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया, एक्स वाई 40 है तो ए सी भी 40 रहेगा, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना। तो अब इसका यूज़ होगा, तो ये हो गया ये 40 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पे दो एंगल दिए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर इसकी हाइट निकालनी है ए बी की, ठीक है। अच्छा ये 40 है तो ये भी 40 है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ये भी 40 मीटर है, ठीक है, ये 40 मीटर है। अच्छा ये जो बी सी है इसको मैं एक्स मान लेती हूँ, ठीक है, क्या मान लेती हूँ, इतने को मैं एक्स मान लेती हूँ, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ए बी की पूरी हाइट चाहिए। देखिए ए बी बोला ना हमें फाइंड करना, ए बी क्या टावर है, जिसमें ए सी तो इतना बता दिया 40 मीटर, लेकिन एक्स नहीं बताया, एक्स हमें यहाँ पर फाइंड करना है। जब एक्स मिल जाएगा तो एक्स को 40 में ऐड कर देंगे, तो हमें ए बी जो टावर है इसकी हाइट हमें पता चल जाएगी। तो लेट हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, बी सी, ये बी सी है, ये बी सी है ना, तो मैं इसको बी सी को एक्स मान लेती हूँ, एक्स मीटर लेंथ डिस्टेंस, ये लेंथ बता रहा है ना, तो ये मीटर में होगी यूनिट, तो एक्स मीटर मैंने यहाँ पर मान लिया। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए टैन जो 45, ये जो एंगल है, इन ट्रायंगल कौन सा मैं ट्रायंगल लूँगी, इस एंगल को लेकर कौन सा ट्रायंगल बनना है, बी वाई सी, बी ये एंगल किस में आ रहा है, बी वाई सी ट्रायंगल में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी वाई सी, ठीक है, इन ट्रायंगल बी वाई सी, बी वाई सी, तो इन ट्रायंगल बी वाई सी मैं यहाँ पे बनाई देती हूँ वो ट्रायंगल, ठीक है, केवल बी वाई सी में लेकर चलूँगी, ये बी है, ये बी है, वाई है और ये सी है, ठीक है। यहाँ मैंने केवल यही ट्रायंगल बनाया है, और ये इतना एक्स मैंने माना है, मैंने बता दिया ये बी सी एक्स माना है, और ये 45 है, 45 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, एक्स ए है, ठीक है, तो एक्स ए है ये हमारा क्या है, इसको मैं क्या मान लेती हूँ, इतना एक्स ए को, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हम क्या निकालेंगे, टेन, हमें क्या चाहिए, हमें ये पोर्शन चाहिए, एक्स की क्या वैल्यू होगी ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो ये निकलेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ टेन 45 यूज़ करेंगे, तो टेन 45, टेन क्या होता है, अपोजिट साइड बाई बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या बी सी है, और बेस क्या है वाई सी, यही है, ठीक है। तो टेन 45 क्या होता है, वन के बराबर होता है, तो वन लिखिए इक्वल टू बी सी, बी सी कितना दिया हुआ, एक्स अपॉन वाई सी, ये आ गया, इसको वन है तो वन अपॉन वन कर सकते हैं हम। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स को वन से इंटू करेंगे तो क्या होगा, एक्स आएगा इक्वल टू वन को वाई सी से इंटू करेंगे तो ये इतना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो वाई सी है किसके बराबर आ गया, वाई सी जो है एक्स के बराबर आ गया, इसको मैं पहले देती हूँ उसको बाद में, तो वाई सी जो है एक्स के बराबर आ गया। अच्छा वाई सी जो है, वाई सी जो है वो एक्स ए के बराबर भी है, मैंने बता दिया ना ये दोनों इक्वल है, तो वाई सी इक्वल टू एक्स है, यानी कि वाई सी जो है किसके बराबर है, एक्स ए के बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इसको कि एक्स ए और वाई सी दोनों एक्स के बराबर है, ठीक है। ये एक्स एक्सकल टू वाई सी एक्सकल टू एक्स, ये कैसे आया, हमने यहाँ पर ये एंगल टेन 45 लिया, ठीक है, ये ट्रायंगल बी वाई सी में आ रहा था, ठीक है, तो टेन 45 की हद से हमें ये मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एंगल लेंगे 60, ठीक है ना, तो ये एंगल जो है, ये जो एंगल 60 है किस में आ रहा है, ट्रायंगल एक्स बी ए में आ रहा है, ठीक है ना, ये एंगल, तो केवल ये इसमें यहाँ पर भी मैं टेन 60 लगाऊंगी, ठीक है, तो टेन 60 में लगाऊंगी, टेन 60 किस ट्रायंगल में आ रहा है, एक्स बी ए में, तो केवल मैं यही डायग्राम यहाँ पर बनाऊंगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ मैं बना देती हूँ, ये मेरा 60 है, ठीक है, और ये मेरा एक्स है, आप देख सकते हैं ये एक्स है यहाँ पर बना हुआ, ये ए है,
ठीक है। और ये क्या है, बी है ऊपर वाला, देखिए टेन सिक्सटी जो है एक्स बी ए, ये ट्रायंगल में आ रहा है एक्स बी और ए में, तो यहाँ पे मैंने ये पूरा डायग्राम बना दिया। और यहाँ पे देखिए पॉइंट सी है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये पॉइंट सी है ठीक है, और इतना एक्स है, ये देखिए ये वाला पॉइंट भी मैंने यहाँ पे लिया, बना दिया यहाँ पर। ए कितना दिया हुआ हमारा, 40 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इतना, मतलब जो हम टेन सिक्सटी लेंगे ना उसमें जो ट्रायंगल आ रहा है ना, केवल मैंने उतना ही डायग्राम बनाया ठीक है ना। और ये पॉइंट आ रहा है सी, तो मैंने यहाँ पर ये बना दिया, और ये बी सी एक्स है मैंने यहाँ लिख दिया, और ए सी कितना दिया हुआ 40, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। अच्छा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए एक्स हमारा कितना है, एक्स ए कितना है, एक्स है कैसे निकाला मैंने यहाँ बता दिया आपको, तो यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ कि ये एक्स के बराबर है ठीक है ना, ये एक्स आया ना कैसे, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर मैं टेन सिक्सटी लगाऊँ ठीक है ना, तो टेन सिक्सटी क्या होता है, टेन सिक्सटी हमारा होता है, ये भी परपेंडिकुलर अपन बेस होगा, टेन सिक्सटी क्या हो, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी है, ए बी अपॉन बेस क्या है ए एक्स, एक्स ए है, एक्स ए बोली चाहे ए एक्स बोली, ये आ गया हमारे पास। अच्छा टेन सिक्सटी जो होता है वो कितने के बराबर होता है, रूट थ्री के बराबर, मैं यहाँ लिख देती हूँ रूट थ्री इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जो ए बी है, ए बी इसको हम लिख सकते हैं, ए बी जो है ए बी हमारा बी सी प्लस सी ए के बराबर है ठीक है ना। आप बी सी और प्लस ए सी लेंगे तो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा ठीक है, तो ये ए बी इक्वल टू बी सी कितना दिया हुआ, एक्स दिया हुआ, यहाँ पे एक्स लिखिए प्लस सी ए, तो सी ए कितना दिया हुआ 40, ये देखिए सी ए है, ये 40 के बराबर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब देखिए टेन सिक्सटी की वैल्यू मैंने रूट थ्री लिख दिया इक्वल टू ए बी, ए बी कितना आया एक्स प्लस 40 अपॉन, अच्छा ये क्या है एक्स ए, एक्स ए कितना है एक्स के बराबर है, यहाँ पे एक्स लिख दीजिए ठीक है, ये रूट थ्री, इसको रूट थ्री अपॉन वन कर दीजिए। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो रूट थ्री है जो एक्स से इंटू होगा, रूट थ्री इंटू एक्स, ये इससे इंटू होगा इक्वल टू वन जो है इससे इंटू होगा, तो वन को इससे इंटू करेंगे तो ये इतना ही आएगा ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये रूट थ्री और ये एक्स, ये इतना हो गया, रूट थ्री एक्स हो गया, इंटू करने पर एक्स बाहर रहेगा, रूट के अंदर नहीं रखिएगा ठीक है। और ये एक्स, इस एक्स को हम इधर साइड लेकर आएंगे ठीक है, तो ये एक्स इधर आएगा, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा इक्वल टू ये 40 यहीं पे रहेगा ठीक है। अच्छा इनके बीच में इंटू का साइन है, अच्छा ये एक्स है, इसको हम एक्स इंटू वन ले सकते हैं, वन तो किसी में भी इंटू हो सकता है, तो जस्ट मैंने एक्स के साथ वन इंटू कर दिया। अब देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो एक्स बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, ये हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा यहाँ रूट थ्री माइनस, ये एक्स बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा वन बचा, इक्वल टू यहाँ क्या बचा 40 बचा ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये इसके साथ ये इंटू में है, ये ब्रैकेट वाला टर्म, तो अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये रूट थ्री माइनस वन जो है इधर चलाएगा, 40 अपॉन ये रूट थ्री माइनस वन इंटू में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चलाएगा, यही तो होगा ना, इंटू में इधर आएगा डिवाइड में चलाएगा, तो ये एक्स की वैल्यू आई है। अच्छा देखिए ये अब यहाँ पर डिनोमीटर जो है हमारा ये इरेशनल में है, देखिए तो रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर के साथ आप कोई भी नंबर ऐड कीजिए चाहे सबट्रैक्ट कीजिए, वो अगेन एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा डिनोमीटर है वो एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर हमें डिनोमीटर को रेशनलाइज करना होगा, आपने क्लास नाइन्थ में किया है, कैसे करते हैं, अब इसमें क्या इंटू करेंगे, यही दो टर्म रहेगा रूट थ्री और वन, ये दो वैल्यू जो है यही सेम रहेंगे, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ जस्ट इसका अपोजिट, तो ये टर्म जो है न्यूमिरेटर और डिनोमीटर में इंटू होगा ठीक है। तो ये होगा हमारे पास एक्स इज कल टू 40 इंटू, अभी दोनों इंटू कीजिए, ये 40 इंटू और ये रूट थ्री प्लस वन है, तो ये इसको ब्रैकेट में लीजिए, जस्ट इसको इंटू कर रहा है ठीक है, न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर को एक साथ इंटू कर दिया अपॉन, अब डिनोमीटर में ये और ये आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्मेट में, क्लास नाइन्थ में आपने किया है, जो भी नीचे टर्म आता है वो a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में रहता है, रेशनलाइजिंग द डिनोमीटर क्लास नाइन्थ में किया आपने, तो ये a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्मेट में, और उसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर a हमारा क्या है रूट थ्री है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो a की वैल्यू क्या है रूट थ्री, तो रूट थ्री और यहाँ पे स्क्वायर लगाइए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ये क्या है बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर वन है, तो वन का स्क्वायर ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वल टू, ये हो जाएगा 40 और ये क्या है ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस वन, ऐसे ही रहेगा अपॉन, अच्छा रूट थ्री को दो बार इंटू करेंगे तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा थ्री के बराबर हो जाएगा, माइनस वन को दो बार इंटू करेंगे तो थ्री माइनस वन हो जाएगा, वन हो जाएगा ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, हमारे पास क्या है एक्स इक्वल टू 40 रूट थ्री प्लस वन ये आया अपॉन, अब यहाँ पर देखिए ये क्या थ्री माइनस वन, तो थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, टू ट्वेंटी जब 40 होता है कट गया, तो एक्स इक्वल टू क्या आया 20 और ये क्या है रूट थ्री प्लस वन और ये मीटर में रहेगा ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ पर ये जो हमारा डायग्राम था यहाँ पर, यहाँ हमने पहले 1045 निकाला, 1045 से हमें क्या मिला ये मिला, ये चीज़ मिला
ठीक है ना, ये मिल गया 1045 यूज किया। अब हमने यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में 1060 लगाया, ये 1060 लगाया यहाँ पर इस ट्रायंगल में बी एक्स ए में, तो इसमें लगाया तो यहाँ जब हमने इसको सॉल्व किया 1060 लगा करके, ये देखिए पूरा जब सॉल्व किया तो हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 20 और अंडर रूट रूट थ्री सॉरी ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस वन आ गया, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। हमें क्वेश्चन में ए भी निकालना है, तो ए भी किसके बराबर है, ए बी जो है बी सी प्लस सी ए की, सी ए के बराबर बी सी प्लस सी ए, तो बी सी प्लस सी ए यहाँ पर लिख दीजिए, तो ए बी इजकल टू बी सी, बी सी हमारा देखिए क्या है, ये एक्स है, बी सी एक्स के ही बराबर है ना, तो ये एक्स क्या है बी सी की ही वैल्यू बता रहा है, तो एक्स यहाँ पर बी सी, तो बी सी कितना है 20 और ये क्या है रूट थ्री प्लस वन प्लस ये क्या है सी ए, ये क्या है सी ए दिया हुआ, तो सी ए कितना है 40 है, तो यहाँ पर आप 40 लिख दीजिए, ये लिख दिया आपने यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ए बी इजकल टू ये क्या है 20 और ये क्या है रूट थ्री प्लस वन है प्लस, ठीक है अब ये 40 जो है इसको हम 2 × 20 लिख सकते हैं, 40 को 40 क्या है 2 × 20 हो सकता है, 2 × 20 40 के बराबर होगा, ए बी इज्कल टू अब यहाँ पर देखिए प्लस के इधर और प्लस के इधर इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है 20 इसमें भी है 20 इसमें भी है, तो 20 आप बाहर निकाल लीजिए कॉमन आ गया, ये 20 इसमें भी है, ये देखिए प्लस के इधर और इधर ये दो पार्ट दिख रहे हैं, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 20 बाहर निकाले तो अंदर क्या बचेगा, ये बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा रूट थ्री प्लस वन, ठीक है ये बाहर निकल गया तो ये बचा, फिर प्लस ये भी 20 बाहर चला गया तो बचेगा क्या 2 बचेगा, ये बचेगा ना, तो ए बी इजकल टू 20 और ये क्या रूट थ्री प्लस 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ए बी आया है ये हमें ए बी भी फाइंड करना था जो कि टावर की हाइट है, ए बी ये मीटर में रहेगा, यहाँ मीटर भी लिखना, तो ये आंसर हो गया, ये हमारा टावर का हाइट यहाँ पर निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, एक्स भी निकालना है, यानी कि ये कि जो आपको तिरछी लाइन दिख रही है ना ये हमें निकालना है एक्स बी, ठीक है ना, तो एक्स बी हम कैसे निकालेंगे, तो ये एक्स बी हमें कैसे, देखिए हमें ए बी तो पता चल गया, ए बी हमें हमारा निकल गया वो इतना आ गया, ठीक है ए बी ये भी निकल गया, हमें ये फाइंड करना है एक्स बी, तो ए बी हमें पता चल गया है, तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम अगर साइन लगाएंगे, टैन नहीं लगाना, अब हमें साइन क्यों हम साइन लगाएंगे, क्योंकि साइन क्या होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, साइन क्या होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, तो साइन 60 लगाएंगे यहाँ पर, तो अपोजिट साइड हमारा क्या ए बी है, ए बी की वैल्यू यहाँ हम निकाल चुके हैं, तो ए बी की वैल्यू निकल जाएगी, मिल गई है हमें पहले से ही, तो यहाँ से और हाइपोटेनस हमारा क्या एक्स बी है, यही हमें फाइंड करना है, देखिए एक्स बी निकालना है, तो अब हम यहाँ पर ये इस ट्रायंगल में क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर टेन नहीं साइन लगाएंगे, तो साइन 60 लेंगे हम, साइन 60, तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर देखिए डायग्राम तो यही यूज होगा साइन 60 वाला, 60 एंगल जो है इसी ट्रायंगल में बनेगा, एक्स बी ए में ही बनेगा, तो वो डायग्राम यहाँ बना हुआ है, तो साइन 60 क्या होता है अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी है और हाइपोटेनस क्या है एक्स बी, क्योंकि इसी फॉर्मूले में साइन वाला ही लगाएंगे फॉर्मूला ना, तभी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या एक्स बी है ये इसी फॉर्मूले में आएगा, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है, तो कॉस भी ले सकते हैं, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये एक्स यहाँ पर है तो ये एक्स की वैल्यू तो दी हुई है यहाँ पर, ये देखिए हमने निकाला है, तो आप कॉस से भी निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पर साइन 60 ले रही हूँ, ठीक है, तो साइन 60 हमारा क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो रूट थ्री अपॉन टू होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वल टू ए बी, ए बी कितना आया ये आया है, उसको यहाँ लिख दीजिए 20 और रूट थ्री प्लस थ्री ये लिख दिया हमने अपॉन एक्स बी, एक्स बी तो हमें फाइंड करना है, ये ऐसे ही रहेगा, आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स बी जो है इससे इंटू होगा, तो एक्स बी इंटू रूट थ्री इक्वल टू टू जो है इससे इंटू होगा, तो टू इंटू और ये 20 और ये क्या है रूट थ्री प्लस थ्री, ये हो गया, ठीक है, अब हमें एक्स बी की वैल्यू चाहिए, तो ये एक्स बी यहीं पे रहेगा, ये जो रूट थ्री है इधर साइड जाएगा, पहले ये पूरा लिख लीजिए, ये लिख दिया अच्छा अपॉन, अब देखिए हमें एक्स बी की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ इंटू रूट थ्री इसको इधर साइड लेकर जाएंगे, तो ये रूट थ्री जब इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ये हो गया, अब देखिए एक्स बी इजकल टू ये 2 × 20 क्या हो जाएगा 40 हो गया, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये रूट थ्री है, पहले आप इसको लिख दीजिए रूट थ्री प्लस ये जो थ्री है रूट थ्री को अगर आप दो बार इंटू करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये आप तो जानते हैं ना कि रूट थ्री को दो बार इंटू करेंगे थ्री के बराबर आएगा, तो यहाँ पर जो थ्री है ना हम इस थ्री की जगह ये लिखेंगे, थ्री किसके बराबर है रूट थ्री इंटू
रूट थ्री, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रूट थ्री कॉमन आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या है रूट थ्री है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा 40, अच्छा ये रूट थ्री है तो इसके साथ तो हम वन इंटू तो कर ही सकते हैं, क्यों इन वन इंटू करें, कॉमन निकालने में ईजी हो जाएगा जब कॉमन निकालेंगे तो, ठीक है ना। तो वन तो इंटू इसमें हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, प्लस के इधर और प्लस के इधर ये दो टर्म है, तो इनमें क्या कॉमन दिख रहा है, रूट थ्री इसमें भी है, रूट थ्री इसमें भी है, तो रूट थ्री क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे बाहर, तो रूट थ्री बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, ये रूट थ्री बाहर आ गया तो वन बचेगा यहाँ पर वन, प्लस ये रूट थ्री बाहर आ गया यहाँ क्या बचेगा रूट थ्री बचेगा, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है रूट थ्री। तो देखिए ये रूट थ्री और ये रूट थ्री कैंसिल हो गया ना हमारा इजिली, तो हमारे पास क्या आया एक्स बी, हमारा जो एक्स बी आया मैं यहाँ पे ले देती हूँ, हमारा एक्स बी क्या आ रहा है, ये देखिए हम एक्स बी निकाल रहे हैं ना, तो एक्स बी हमारा क्या आया 40 और ये क्या है वन प्लस रूट थ्री, ये मीटर में ये आंसर है। तो हमारा एक्स बी भी निकल गया, हमें क्या क्या फाइंड करना था यहाँ पर, एक्स बी यानी यहाँ निकाल दिया 40 वन प्लस रूट थ्री मीटर, और ये ए बी, ए बी भी मैंने यहाँ पर निकाल दिया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है यहाँ पर, यहाँ पर आपका क्लास 9th का रेशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर यूज़ हुआ है, और थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा और इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो ये चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो 3 है, 3 को मैंने रूट 3 इंटू रूट 3 कर दिया तो ईजिली ये और सिंप्लीफाई हो गया है, तो कैंसिल होकर के ये इतना आ गया सिंप्लीफाई फॉर्म में 40 अंडर रूट वन प्लस रूट 3 मीटर। जहाँ ना समझ में आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।